देख रहे हैं दोस्तों, आज देसी शैलूल किचन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही चटपटी, बहुत ही तीखी ये मेरी स्पेशल हिमाचल की हरी मिर्च की चुक। बहुत ही स्वाद बनती है। आप इसको पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, चावल के साथ खाइए, या मैं तो आज इसको सिड्डू के साथ खाने वाला हूँ। आप बताइए, अगर आप बनाते तो आप किसके साथ खाते, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये मेरे हिमाचल की हरी मिर्च की चुक की रेसिपी, ये देखिए कितनी शानदार बनी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश देसी शैलूल किचन से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही टेस्टी ये हिमाचल की हरी मिर्च की चुक। बेसिकली ये एक तरह का मसालेदार चटनी है, और इसको बनाने के लिए मैंने ली है ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इन सबको मैं अलग अलग पीस लूँगा। ये मैंने हरी मिर्च 50 ग्राम के लगभग ली है, तो अदरक भी मैंने 20 ग्राम और लहसुन भी मैंने 20 ग्राम लिया है। तो इन सबको मैं अब हल्का हल्का दर्रा दर्रा ग्राइंड कर लूँगा। पहले मैं अदरक और लहसुन को ग्राइंड करूँगा और फिर मैं हरी मिर्च को। तो पहले इनको मैं ग्राइंड करके आपसे झटपट मिलता हूँ। तो ये झटपटी मैं इसको मोटा मोटा पीस के आपसे मिलता हूँ। लीजिए, ये मेरा अदरक लहसुन अच्छे से मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लिया, और अब मैं ये हरी मिर्ची को भी ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लूँगा। काटने की ज़रूरत नहीं है, काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। तो लीजिए, ये मेरी मिर्ची भी कोरस ग्राइंड हो गई है, और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए, अब इस हरी मिर्च के चोक को हम पकाते हैं। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, इसका मैंने धुआं निकाल लिया था, तो मैं ये ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के लगभग भर के ये मैं सरसों का तेल ले लूँगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगा पहले मैं, ताकि थोड़ी बहुत अगर घास हो भी तो वो भी निकल जाए। और उसके साथ ही मैं डालूँगा इसके अंदर में ये थोड़ी सी हींग, यानी कि आधा टीस्पून के लगभग मैं इसमें डाल दूँगा ये मेरी हींग। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगा अपना ये अदरक लहसुन जो मैंने खड़ा खड़ा पीस लिया था, ये देखिए। और इसको लगातार चलाना है, और आँच जो रखनी है मीडियम रखनी है। क्या खुशबू उड़ी है इसकी, ओहो हो, क्योंकि हमें इसको लंबे समय तक शेल्फ लाइफ इसकी रखनी है, तो इसको अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर में इसका जो भी अदरक लहसुन का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगा ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, अभी तो ये दो ही डालूँगा मैं, ऑलरेडी मिर्ची है तो मिर्ची में और कितनी मिर्ची डालूँ। और फिर भी मैं आधा टीस्पून के लगभग इसमें अपनी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रहा हूँ, ये देखिए। और इसको लगातार चलाना है, ताकि ये नीचे नीचे ना पकता रहे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से पके। आके मैं डाल दूँगा इसके अंदर में ये अपनी सारी की सारी कोरस ग्राइंड अपनी हरी मिर्ची, ये देखिए। और इसको भी अच्छे से भूनना है, ताकि ये भी अपने मॉइस्चर के साथ में थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। अब इनको हमने तब तक भूनना है जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे, ये देखिए। और इसको लगातार चलाना है, और फ्लेम जो है ना मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है। मैं डाल दूँगा इसमें एक चम्मच भर के अपना धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक। और ये देखिए, तेल छूटना भी शुरू हो गया ना। बेसिकली इसके अंदर में नींबू का रस या गलगल का रस डाला जाता है इसको खटाई लगाने के लिए, परंतु आपके पास ये ना हो तो आप विनेगर से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं खटाई के लिए। वो विनेगर वैसे भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, ये देखिए
तेल छूटना शुरू हो गया ना, और खुशबू इस समय जो मसालों के साथ जो फैली है तो वह तुम बता ही नहीं सकता। और अब इस स्टेज पे आके मैं डाल दूंगा अपना ये खास मसाला। इसके अंदर में मैंने मेथी दाना, सौंफ और जीरा लिया था। इसके अंदर में मैंने मेथी दाना, धनिया साबुत और सौंफ लिया है, और इनको मैंने देखिए हल्का सा भून के इनको मैंने पीस लिया है, और ये आगे भी मैं प्रयोग में लेके आता रहता हूँ अम्बी पन्ना वगैरह के लिए भी। तो इसका भी मैं अब इसके अंदर में भर के एक चम्मच अच्छे से डाल दूँगा। बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए क्या बात है। और अब इस स्टेज पे आके मैं डाल दूंगा इसमें थोड़ी सी चीनी, ज़्यादा मत डालिएगा, जस्ट टू बैलेंस द हीट ऑफ चिली। ये देखिए और अब मैं डाल दूंगा इसमें ये विनेगर, और इसी से मैं आज इसका खटाई का काम लूँगा, और इसको भी मैं अच्छे से मिलाते हुए एक बार और पका दूँगा ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका आपस में जो भी तालमेल है वो ठीक से बैठ जाए और ऑयल भी रिलीज हो जाए। ये देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें डालूँगा थोड़ा सा काला नमक। ये काला नमक जो है ना इसके फ्लेवर को और टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और ये देखिए मेरे हरी मिर्च के चूपने ये देखिए तेल छोड़ दिया फर्स्ट क्लास। और अब इसको हम ठंडा करके अपना स्टोर कर लेंगे। ये देखिए काला नमक डालते ही इसकी खुशबू और नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। बस थोड़ा सा कुक और करना है ताकि किसी भी चीज़ का कच्चापन इसमें बैलेंस ना रहे। तो लीजिए अब ये मेरी हरी मिर्च की चोक कहीं से भी कच्ची नहीं है, इसने हर तरफ से तेल छोड़ दिया है। और बस अब इसको ठंडा करना है और इसको एक साफ़ कंटेनर में हमने ट्रांसफ़र कर देना है ठंडा होने के बाद। और कंटेनर भी जो है ना मॉइस्चर फ्री लीजिएगा ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। ये देखिए अब इसको टेस्ट करने का तो मज़ा खाने के साथ ही है ना। आप इसको पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, मैं तो इनको सिड्डू के साथ खाने वाला हूँ और उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी शेयर करूँगा। तो ये देखिए फर्स्ट गन, ये देखिए फर्स्ट क्लास बन गया ना मेरा ये हरी मिर्च का, हिमाचल का फेमस हरी मिर्च का चुक। ये देखिए तो ये मेरी हरी चुक एकदम बन कर तैयार। तो बस आपको भी जब मौका मिले आप भी ये हिमाचल की मशहूर हरी मिर्च की चुक की चटनी या मसाला या इसको चुक ही रहने देते हैं ये बनाइए, और इसका स्वाद और इसके स्वाद का आनंद उठाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माय वीडियोस नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही खाते रहिए, खिलाते रहिए, बनाते रहिए, पकाते रहिए, बचाते रहिए और पैसे भी बचाते रहिए और खुश रहिए। आपका आज और आने वाला हर दिन शुभ हो।